की अंदरूनी लड़ाई को स्थानीय स्तर पर भी मुद्दा बनाकर रुके हुए विकास की बात को लेकर भाजपा लोगों के बीच में जाएगी। इस तरह की प्लानिंग झुंझुनू में तैयार हो गई है। इसी संदर्भ में पूर्व संसदीय सचिव एवं भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोटवाल 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू आए, जिन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधी, जिलाध्यक्ष पवन मांडिया की मौजूदगी में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए चर्चा की। इस बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि झुंझुनू में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में क्रेडिट लेने के डर से ही राज्य सरकार इसका काम शुरू नहीं करवा रही है। मुख्यमंत्री के झुंझुनू के सलाहकारों ने फीडबैक दे दिया है कि यदि झुंझुनू विधानसभा में वर्तमान चयनित जगह पर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसका सारा क्रेडिट विधायक बृजेंद्र ओला को जाएगा, क्योंकि विधायक बृजेंद्र ओला फिलहाल पायलट गुट के सदस्य हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री, सरकार और अन्य सहयोगी नहीं चाहते कि झुंझुनू विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खुले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर खुलता है तो ही पूरे जिले को फायदा होगा। बहरहाल भाजपा ने फैसला लिया है कि 6 महीने से जमीन चिन्हित का प्रस्ताव कलेक्टर के पास रखा हुआ है, यदि उस पर शीघ्र काम शुरू नहीं होता है तो भाजपा पूरे जिले में आंदोलन करेगी। साथ ही सरकार से निवेदन करेगी कि आपसी लड़ाई में झुंझुनू के लोगों को सुविधाओं से वंचित न किया जाए। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोटवाल ने कहा कि सभी विशेषज्ञ राय दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, वहीं इस तीसरी लहर में सर्वाधिक जो प्रभावित होंगे वो बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी झुंझुनू प्रशासन द्वारा कोई तैयारियां नहीं की जा रही। जिले में नाम के 5-6 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, ऐसे में तीसरी लहर में लोगों की जान जोखिम है, इसलिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि वे तीसरी लहर की तैयारियां करें ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि जितेंद्र गोटवाल 2 दिन के झुंझुनू दौरे पर आए हैं। उन्होंने संगठनात्मक रूप से भी चर्चा की और प्रस्तावित जिला कार्य समिति तथा मंडल कार्य समिति के अलावा अन्य आयोजनों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही कोरोना काल में सेवा कार्यों की समीक्षा करते हुए झुंझुनू भाजपा के कार्यों की तारीफ की। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशंबर पूनिया, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोज शोरान, महामंत्री योगेंद्र मिश्रा व उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल डुके आदि मौजूद थे। पिछले 6 महीने से झुंझुनू जिले में मेडिकल कॉलेज की जगह चिन्हित करने का प्रस्ताव कलेक्टर के पास पड़ा है और पूरा जिला ये चाहता है कि जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन चूंकि झुंझुनू जिले के झुंझुनू विधानसभा से जीते हुए विधायक बृजेंद्र ओला वर्तमान में कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम में पायलट के साथ है, इसलिए अशोक गहलोत जी और उनकी पूरी टीम जो यहाँ झुंझुनू जिले में काम करती है, तथाकथित जो स्वयंभू मुख्यमंत्री हैं 2-3, वो ये कतई नहीं चाहते कि झुंझुनू शहर में या झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बने। ये लगातार फीडबैक वो मुख्यमंत्री जी को गलत दृष्टि से पेश कर रहे हैं कि झुंझुनू में अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसकी क्रेडिट बृजेंद्र ओला के पास जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान झुंझुनू जिले की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी से और जिला कलेक्टर से निवेदन करूँगा, चूँकि झुंझुनू जिले का मुख्य हॉस्पिटल BDK जो मेडिकल की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त है, तुरंत प्रभाव से जो चिन्हित जगह की है वहाँ झुंझुनू विधानसभा में अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो पूरे जिले को इसका फायदा मिलेगा। ये सब लोगों के ध्यान में, अगर इस विषय पे सरकार चेतती नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इसको आंदोलन के रूप में खड़ा करेगी। झुंझुनू जिले के संगठनात्मक प्रवास के लिए मैं 2 दिवसीय दौरे पर हूँ। यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष जी एवं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय मुकेश दाधी जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या के साथ हम बैठे और इस जिले के अंदर जो कोविड के समय सेवा कार्य हुए हैं उसके लिए मैंने पूरी जिले की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और इनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने डटकर जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया। और साथ ही आने वाले समय के अंदर हमारी जिले की कार्यकारिणी जो है जिला कार्य समिति वो होने वाली है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। मंडल की कार्यकारिणी होने वाली है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, आपातकाल 25 जून को पूरे देश भर में लगाया था, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और
झुंझुनू के कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्म जोशी के साथ उसकी तैयारी की है। आने वाले समय में हम लोग राज्य सरकार को घेरने वाले हैं, क्योंकि आपके जिले के अंदर इन 2.5 सालों में एक भी काम इस सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया, ये इस जिले का दुर्भाग्य है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो राज्य सरकार में काम करते हैं, उनके साथ उनके भागीदार बने हुए, उनका हिस्सा है, विधायक हैं, इस जिले का दुर्भाग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने काम इस जिले के अंदर, अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली, ऑक्सीजन प्लांट की भी एक नई घोषणा की गई है, पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा हुई, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से लग जाए, क्योंकि पूरा वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त दिया जा रहा है, 18 से 44 तक भी और 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर, मुझे जानकारी मिली है कि कोविड की तीसरी लहर हमारे सर पर है, और जैसा मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है कि बच्चों के लिए ये लहर जो है भारी होगी, आपके पूरे जिले में 5-6 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये इस जिले का दुर्भाग्य है। इस जिले के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं। हमारे नेताओं ने तय किया है कि ये जाकर SDM को, PMO को, CMHO को सबसे मिलकर और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों को इस तीसरी लहर से बचाने के लिए अभी से तैयारी वो लोग करें, ऐसी योजना हमारी पार्टी के लोगों ने बनाई है।